बजा के यहाँ पे सुनेंगे। और इसको सुनने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यानी टैप करेंगे प्ले बटन पे। नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कोई भी ट्रैक पे आप यानी सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहें तभी कुछ आप समझ पाइएगा, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप अधूरा सीखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों मेरा यही बार बार विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ सीख पाए। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र, आप देखें बीके टेक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के नीचे बटन दिख रहा है दोस्तों, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन आएगा दोस्तों, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप एडिटिंग सीख पाइएगा। तो दोस्तों मैं यानी कि आप जो एक ट्रैक यहाँ पर मैं लिया हूँ और इस ट्रैक पर मैं वोकल यानी कि आवाज़ इसमें जो हम सेटिंग करेंगे किस तरह से ट्रैक पे गाना को सॉन्ग को रिकॉर्ड हम करेंगे तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो यहाँ सबसे पहले जो आप इस ऐप को हम खोलेंगे, इस ऐप को खोलने के बाद आप जो ये देख रहे हैं कितना लोगों ने इसको जानता भी है कि कौन सा ये फाइल है। अगर आपको ये इस तरह से एडिटिंग आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों और दोस्तों मैंने इसमें जो है ट्रैक को यानी कि कराओके ट्रैक जो मतलब है इसमें हम एक ट्रैक जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है दो पार्ट है, एक पार्ट में यानी कि हम ट्रैक को सेटिंग करेंगे, दूसरा नंबर जो हमारा वोकल यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो मैंने रिकॉर्ड बटन के लिए हमारे पास यानी ईयरफोन से हम सेटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई बड़ा यानी कि मोबाइल है तो आप उससे बहुत ही स्टूडियो तरह आवाज़ आप इसमें क्वालिटी भी वगैरह हम सेट करेंगे, आपको बता भी देंगे। और अगर इसका वीडियो मतलब दूसरा पार्ट चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से स्टूडियो तरह इसमें आवाज़ क्वालिटी को हम सेटिंग करेंगे तो वीडियो को पूरा देखते रहें। इस यहाँ पे हम मतलब ट्रैक ले लिए हैं दोस्तों और किस तरह से इसमें ये हमारा दूसरा जो मतलब यहाँ पे ट्रैक है इसमें हमारा वोकल यानी कि सेटिंग होगा। तो चलिए वीडियो को हम पूरा यानी कि सेटिंग उतना तो करके नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि यूट्यूब हमको कॉपीराइट भी मार दे हमारे वीडियो में, इसीलिए इसमें कॉपीराइट यानी कि नो कॉपीराइट हमारा ट्रैक ये नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, हम थोड़ा सा गुनगुनाए को आपको बताएंगे किस तरह से इसमें वोकल सेटिंग किया जाता है। इसको यानी कि ट्रैक के साथ इसको सेटिंग करने के लिए हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारे यानी कि इस कोने में जो यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो कि हमारा ये ट्रैक है और यहाँ पे हमारा वोकल सेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम इसी गाना को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये रिदम इसका यहाँ पर कहाँ से यानी वॉइस इसका चालू हो रहा है। तो हम चालू करके इसको देखेंगे, वहीं से हम अपना वोकल को ट्रैक यानी कि हम गाना को सेटिंग करेंगे गा के। शेरवा पे चढ़ के माई सीमा पे जल्दी चला। जैसे दोस्तों मैंने यानी ट्रैक पे गाना को सेटिंग कर लिया, तो मैं पीछे चलूँगा कहाँ से हमारा ट्रैक से, एक बार उसको हम सुन लेते हैं किस तरह से हमारा वीडियो यानी कि इसमें यानी कि जो है गाना ट्रैक सेटिंग किया गया। तो दोस्तों हमने बैक करके इसको एक बार बजा के यहाँ पे सुनेंगे और इसको सुनने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यानी टैप करेंगे प्ले बटन पे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो यानी कि इसमें ऑडियो हम के यानी कि बहुत ही यानी स्टूडियो तरह क्वालिटी में हम बना सकते हैं। और इसका इफेक्ट जानने के लिए कौन सा मैंने इफेक्ट इसमें यूज किया है दोस्तों, तो आप यानी कि आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो अगर ये सीखना चाहते हैं किस तरह से हमारा यानी कि स्टूडियो तरह आप भी यानी कि क्वालिटी के गाना यानी कि आप तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सिंगर भाई बहन हैं अगर वो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर इसका दूसरा भी पार्ट चाहिए तो हम बहुत ही इसको सेटिंग बढ़िया से करके आपको हम यानी कि YouTube पे डालेंगे जिस तरह से। और दोस्तों अभी तक हमारे बीके टेक टू YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे यानी कि रिलेटेड आप हमारे चैनल पर अपलोड होते रहे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए।
और बड़े ही आसानी से उसको देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।